आज इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल हम आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म के टॉपिक टॉपिक नंबर 4 के बारे में समझाएंगे, जिसमें जूमिंग टेक्निक्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया गया है। जूमिंग टेक्निक्स और फील्ड ऑफ व्यू, रीजन कंट्रोल, जूम के कंट्रोल टॉपिक्स को उसमें रखा गया, जबकि जूम के बाकी टूल जो हैं वो वॉक थ्रो और कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह और ये नेक्स्ट में रखे जाएंगे। देखिए, इसमें हम तवज्जो के साथ देखिए स्क्रीन पर के 3D स्टूडियो मैक्स में काम करने के दौरान अगर आपसे ये कहा जाए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाएं और बनाने के बाद उसको करीब और दूर करें, तो करीब और दूर करने का जो प्रोसीजर है इसे हम जूमिंग प्रोसीजर कहते हैं। वैसे तो अगर हम जूम करना चाहें तो हमारे पास माउस का जो स्क्रोल का बटन है ना दोनों क्लिक्स के दरमियान में, इससे भी देखिए अगर आप चाहें तो आप स्क्रोलिंग पे काम कर सकते हैं। ज़्यादा स्क्रोल करने के बाद अगर इसी बटन को आप दबा के रखेंगे तो पैनिंग का काम भी इससे लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए पैनिंग भी हो रही है, साथ देखिए पैनिंग के साथ जूमिंग भी हो सकती है। माउस का बटन दबाया हुआ भी और जूम भी कर रहे हैं और पैनिंग अलग हो रही है। अगर हम प्रॉपर जूम करना चाहें तो हमारे पास एक टूल है बाकायदा, इसका नाम क्या है, जूम टूल। आप जूम टूल से भी देखें जूमिंग करना चाहें तो आप जूमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास चार व्यू पोर्ट हैं और चारों के चारों व्यू पोर्ट जूम हो तो जूम आलू का ऑप्शन भी है। इसमें देखिए आपकी मरतबा जब आप जूम करेंगे ना तो एक एक व्यू पोर्ट जूम नहीं होगा बल्कि चारों के चारों व्यू पोर्ट जो है वो एक साथ जूम होंगे। इसी तरह एक्सटेंड का ऑप्शन है, एक्सटेंड में ये फायदा आप क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो जूम एक्सटेंड यानी फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगा, दूसरे पे क्लिक करेंगे दूसरा फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगा। लेकिन जब करेंगे एक्सटेंड ऑल तो फिर अब क्या होगा, क्लिक करते ही एक दो या तीन नहीं बल्कि चारों के चारों जो हैं वो एक साथ एक्सटेंड होते हैं। अब यहाँ देखिए ना यही काम आप जेड की मदद से भी ले सकते हैं, जब आप जेड दबाते हैं ना तो जूम एक्सटेंड ही तो काम में आता है। हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि आप 3D स्टूडियो मैक्स पे काम करने के दौरान रीजन बना के जूम करें तो रीजन टूल भी है हमारे पास। अगर हम चाहते हो कि हम रीजन को रेंज की मदद से ड्रैग करके नहीं करें बल्कि सिंपल ड्रैग करें तो उसके बाद फील्ड ऑफ व्यू के नाम से भी उसने हमें एक ऑप्शन दिया। इससे भी देखें अगर आप जूम करना चाहें सिर्फ क्लिक करके देखें ड्रैग करें अप एंड डाउन तो आप स्क्रीन पर देखें गौर से तवज्जो के साथ आप जूमिंग प्रोसीजर पर काम कर सकते हैं। तो ये जूमिंग टेक्निक्स की कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताई, आपसे गुजारिश है कि आप पावर 2000